जय हिंद साथियों, सियाज स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे स्कूल ट्रिप के बारे में। तो सुबह 9 बजे हम निकल लिए थे जोए गांव के लिए, 2 बसें लेकर, और हम बैठे बॉयज़ के साथ थोड़ी टूर वाली फीलिंग दिलाने के लिए। उनके साथ किया फोटो सेशन, और ज़्यादा फीलिंग न ले लें इसलिए उनको सुनाए देशभक्ति गाने। उसके बाद हम 11 बजे पहुंच गए थे जोए गांव के पास। एंट्री शुरू हुई बहुत ही शानदार, और उसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, उन्होंने भरपेट खाया खाना, और फिर हो गए खेल में मगन। हमने भी खेला और थक गए। थकने के बाद फिर से फोटो सेशन शुरू किया, और अब की बार साथ दिया हमारा डीपी साहब ने। डीपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। पहले उन्होंने हमें बनाया राजस्थानी, फिर हमने बनाया उनको राजस्थानी, और उसके बाद जय और वीरू की तरह दोस्ती बढ़ती चली गई, और हमने अपना फोटो सेशन फिर से शुरू किया। उसके बाद बच्चे आए, बच्चों के साथ फोटो सेशन किया। हमारे डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर के साथ फीमेल स्टाफ ने फोटो खिंचवाए, तो हम चल गए स्विमिंग करके आया। बहुत ज़्यादा मज़ा, और उसके बाद लगी थी हमें भूख, तो इन्होंने हमें दिया लंच। लंच करके हम देखने गए कठपुतली शो। देखकर बहुत ज़्यादा आया मज़ा, इसलिए हमने राजस्थान भाई का किया धन्यवाद, और फिर आगे बढ़ के करने गए हम पोटिंग। पोटिंग का प्रिंसिपल था सॉफ्ट हैंड, तो हमने यहाँ पे की पोटिंग। और पोर्टिंग के बाद भी बहुत सारे इवेंट किए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इवेंट थे यहाँ पे। हमने सभी की वीडियोग्राफी नहीं की। बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के साथ स्कूल ट्रिप बहुत अच्छी जगह है, आप सभी को आना चाहिए। जोए गांव या प्रतापगढ़ दोनों एक जैसे हैं। और पोर्टिंग करने के बाद हम गए गांव की रसोई में, किया खाना, और खाना खाने के बाद हरियाणवी संस्कृति का लुत्फ उठाया विनोद पार्टी के साथ। और इसमें इस भैया को ज्यादा आता था डांस, इसलिए हमने लगा दिए ब्रेक। और फिर डीपी साहब के साथ बैठे ट्रेन में, डीपी साहब ने काट दी ट्रेन से रानिला की टिकट, और सभी बच्चों को लेकर वापस आ गए हम। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके बताना।